अडोब की सीरीज के अंदर जो हमारा नेक्स्ट सॉफ्टवेयर है वो है अडोब आफ्टर इफेक्ट। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि अडोब आफ्टर इफेक्ट क्यों यूज़ किया जाता है और इसकी कुछ एग्जांपल दिखाऊंगा जिसको देख के आपको भी ये सॉफ्टवेयर सीखने का दिल करेगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सलमान दीप, आप देख रहे हैं दीप टेक्नोलॉजी लैब यूट्यूब चैनल। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि अडोब आफ्टर इफेक्ट कब बना, तो ये रिलीज़ हो गया था 1993 के अंदर जनवरी में। तो अब बात करते हैं कि ये बना क्यों और ये यूज़ किस काम के लिए होता है। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ, आपने आयरन मैन मूवी देखी होगी, उसके साइड पे आप यहाँ पे ये साइड पे ब्लू और वाइट कलर में ये टेक्चर और ये सारी इफेक्ट वगैरह देख सकते हो, ये सारे जो है इसी सॉफ्टवेयर से लगते हैं। और एक और दिखाता हूँ नेक्स्ट हमारे पास, ये देखो इसमें जो लाइटिंग निकल रही है गन से और ये लाइटिंग मिक्सअप कर रही है बैकग्राउंड को और इसको, ये सारा कुछ आप जो है इस एक सॉफ्टवेयर के अंदर कर सकते हो। ये बहुत सारी मूवीज़ में यूज़ हुआ है ये सॉफ्टवेयर, आप जितनी भी अवेंजर्स की मूवी देखोगे सब के अंदर ये सॉफ्टवेयर यूज़ किया गया है। तो अब बात करते हैं कि इसका जो सबसे पहला वर्जन था वो था ये, तो कुछ इस तरह से नज़र आता था विंडो एक्सपी का जिस तरह से लुक होती है, ये कुछ इस तरह से था जब ये स्टार्ट में रिलीज़ हुआ था। तो उसके बाद अब चल रहा है 2022, तो इसमें आपको देख सकते हो कि इसमें लुक आपको किस तरह की देखने को मिलती है। इसके ऊपर यहाँ पर टूल बार हैं, इसके थोड़े से टूल हैं यहाँ पर, उसके बाद ये इसका वर्क एरिया है जिसके अंदर हम अपना काम करते हैं, नीचे टाइमलाइन है जिसके अंदर हम इफ़ेक्ट वगैरह को और एनिमेशन को कंट्रोल करते हैं, और इस साइड पे इसका पैनल है जिसके अंदर हम डाटा अपना स्टोर करते हैं, जहाँ से डाटा उठा उठा के हम टाइमलाइन पे रखते हैं। तो इस साइड पे इसके इफ़ेक्ट पड़े हुए हैं जिनको हम यूज़ करके अपनी वीडियो को एडिट करते हैं। तो अब मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ कि ये दरअसल इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। तो मेरे पास ये एक वीडियो, ये मैं वीडियो चलाता हूँ और इसको आप देखना कि इसके अंदर ये जितना भी इसके अंदर काम हुआ है, छोटा छोटा काम भी, सारा का सारा इसी एक सॉफ्टवेयर के ज़रिए हुआ है। तो ये तो थी इसकी एग्जांपल वीडियो जिसके अंदर आपको दिखाया कि ये किस तरह से इसमें काम किया जाता है और क्या क्या चीज़ें हम बना सकते हैं। तो अब मैं कुछ और एग्जांपल इसके साथ दिखाना चाहता हूँ कि अगर आप इस तरह की वीडियो या फोटोज बनाते हैं तो आप उसको इस तरह से इफ़ेक्ट दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसमें देखो, इसमें कलरिंग को हम बेहतर बना सकते हैं। उसके बाद इसमें डांसिंग, या आपने सॉन्ग देखे होंगे जिसके अंदर इस तरह के इफ़ेक्ट निकल रहे होते हैं, वो सारे इसी के अंदर बनते हैं इसी सॉफ्टवेयर में। इधर आप देख सकते हो इसमें हाथ में से आग निकल रही है, ये भी आप कर सकते हो। और इधर आप देख सकते हो कि सिंपल से उसने एक फोटेज शूट की है, उसके अंदर उसने आग भी लगा दिया और उसमें बारिश भी हो रही है, ये सारा कुछ आप भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो कि ज़मीन फट रही है, उसके अंदर से किसी का हाथ आ रहा है बाहर, सेम इसी तरह से इफ़ेक्ट आप लगा सकते हो। और एक ये बैकग्राउंड रिमूव करने वाला जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, आप ग्रीन स्क्रीन के ज़रिए आप ये काम कर सकते हो और आप बैकग्राउंड रिमूव करके आप कुछ भी लगा सकते हो, स्टूडियो वगैरह जो आपका दिल चाहे आप वो बैकग्राउंड में रख सकते हो। तो ये था हमारा अडोब आफ्टर इफेक्ट, इसके बारे में मैंने आपको बताया ये कब बना है और क्यों बना है और इसमें पुराना वर्जन कैसा था, न्यू कैसा था, और इसकी एग्जाम्पल वगैरह आपको दिखा दिए हैं। तो इसकी बहुत सारी वीडियोज़ आपको मिल भी जाएंगी और इसकी जो सीरीज़ है मेरे चैनल में भी स्टार्ट होने वाली है, इसको सीखना है तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। तो आसान सा सॉफ्टवेयर है, बस इसका इंटरफेस थोड़ा सा जो न्यू यूज़र है उनको मुश्किल लगता है, अगर उसको समझ आ जाए तो ये उसके लिए भी बाद में फिर आसान हो जाता है। तो इसमें आप कार्टून वगैरह की मूवीज़, कार्टून वगैरह बना सकते हो, इसमें बहुत कुछ बन सकता है। और अगर आपको लगता है कि अडोब आफ्टर इफेक्ट के अलावा
कोई और सॉफ्टवेयर इससे बेस्ट है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं उन दोनों में आपको कंपैरिजन करके दिखाऊंगा कि वो क्यों बेस्ट है या ये क्यों बेस्ट है और इन दोनों में या इनमें क्या चीज़ आसान है और क्या मुश्किल है, तो वो सारा कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो यही थी आज की हमारी वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दें और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।